हेलो व्यूअर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पापा मेरी मम्मी से हमेशा लड़ झगड़ कर ही घर से बाहर निकलते थे और मम्मी भी गला फाड़ फाड़ कर पापा पर चीख रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठी थी, अपने सेकंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मेरा दिल एकदम से पढ़ाई से उचट गया था। पापा अपनी लड़ाई में मुझे घसीट लेते थे हमेशा की तरह। आज फिर मुझे मनहूस कह गए थे। मेरा दिल चूर चूर हो गया था। मैं सोच रही थी कि सीरियलों में तो क्या दिखाया जाता है, पिता अपनी इकलौती औलाद पर जान निछावर कर देती है, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही किस्सा था। मेरा बाप मुझे मनहूस कहता तो मम्मी गुस्से में आकर कहती, भगवान से प्रार्थना करो वह मर जाए, ख़त्म हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी बेटी चांदनी का मनहूस साया ना पड़े। मैंने ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या करना था। एक दादी की कसर रह जाती, जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते तो फिर दादी का पुराण शुरू हो जाता, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमारा घर एक युद्ध के मैदान से कम नहीं था। लोग अपने अपने छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई ऐसे मजा उठाते जैसे कोई थिएटर में फिल्म चल रही हो। मैं तो तंग आ चुकी थी इन सब झगड़ों से। दादी मम्मी को कोसने लग जाती और कहती, मैं तुझे तो छुड़वा कर ही रहूँगी और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, तूने बहुत ऐश कर ली और मेरे बेटे की कमाई खा खा कर बहुत तुझे चर्बी चढ़ गई है। फिर मम्मी और दादी की तू तू मैं शुरू हो जाती और वह शाम तक चलती रहती। मुझे दादी की ऐसी वाली बात पर बहुत हंसी आती। मैंने अपनी मम्मी को कभी अपने ऊपर एक रुपये भी खर्च होते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। मम्मी मेरे पास आई तो मैं अपने ख्यालों से चौंक गई थी। उन्होंने अपने दुपट्टे से बांधे हुए गांठ खोलकर मुझे कुछ पैसे थमा दिए और बोली, जा बेटा दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ला दो, बाजरे की रोटी तेरे पापा को बहुत शौक से खाते हैं। मैंने मम्मी से पैसे लिए और चप्पल पहनकर बाहर की तरफ चल दी थी। मैं ये सोच रही थी कि मम्मी हर रोज मुझसे बाजरे का आटा क्यों मंगवाती हैं जब उन्होंने पकाने ही नहीं होते। मम्मी पता नहीं उन आटों का क्या करती थी। मुझे तो यही लगता था कि घर के टेंशन वाले माहौल से मुझे दूर करने के लिए बाहर भेज देती थी ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, सुकून की सांसें ले सकूं। मेरी मम्मी साधारण औरतों की तरह सारा दिन काम में लगी रहती, मगर उनको कोई भी खुशी नहीं था। उनकी गलती ये थी कि वह पापा को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरी पैदाइश के बाद मम्मी को कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी कि मम्मी अब दोबारा कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इस बात से पापा मम्मी को मनहूस कहते थे। मेरे पापा बिल्कुल मनमौजी इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपनी दिलचस्पी का बड़ा सामान रखा हुआ था। वह घर में मम्मी के साथ ठीक रहते, मगर जिस दिन दादी पापा से अपनी चाह बता देती कि एक पोता हो तो बहुत अच्छा होता और मेरे पापा को बेटे की फिक्र दिमाग में डाल देती तो वह बहुत परेशान हो जाते थे। दादी उनसे कहती थी, अरे दिनेश तेरे बाद हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तू कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंद कर रहेगा, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। दादी के पास से पापा उठकर कमरे में चले जाते, मम्मी को डांटने लगते थे। पहले मम्मी चुपचाप रहा करती थी मगर अब बोलने लगी थी। इस तरह लड़ाई अब जोर पकड़ने लग गई थी। इस लड़ाई की वजह से मैं बहुत दिमागी डिप्रेशन में रहने लगी थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो मम्मी को आंगन में फूट फूट कर रोता देखा तो मैं बहुत घबराई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया था। मैं भागकर मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी मुझे बताइए क्या हुआ है। और वह रोती रह गई थी और बोली, मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ भी नहीं रहा दुनिया में। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं बोली, मम्मी बताइए ना क्या हुआ, मम्मी पापा तो ठीक है ना। मम्मी मेरे गले से लग कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, तेरी दादी ने अपनी सहेली की लड़की को बुलवाया है, अब तेरा बाप उससे शादी करके हम दोनों को घर से निकाल देगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। मेरी मम्मी की बात तो परेशान करने वाली थी। मैंने मम्मी को दिलासा दिया तो वह ज़रा संभल गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, जा जाकर 1 किलो बाजरा का आटा ला दे। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ गई। कहाँ तो उनको खाने पीने की भी होश नहीं थी।
और अब 1 किलो बाजरे का आटा किस लिए मंगवा रही थी। मैं बोली, मम्मी ये वाले बाजरे का आटा आप अपनी होने वाली सौतन के लिए पकाओगी क्या? मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ा सा घबरा सी गई थी। मैंने हंसते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान से बाजरे का आटा लेने चली गई थी। मुझे मालूम था कि हर रोज की तरह आज भी बाजरे का आटा मंगवाएंगी, लेकिन वह पकाएंगी नहीं। मुझे लगता मम्मी 1 किलो बाजरे का आटा हर रोज़ मंगवाती हैं, कहीं इन आटे का गोदाम तो नहीं खोल रही। फिर मैंने खुद ही अपने उस ख्याल पर हंस देती थी। मैं बाजरे का आटा लेकर वापस आई तो दादी की सहेली की बेटी आ चुकी थी। वह 27-28 साल की लड़की होगी, मम्मी से 8 साल छोटी। उन्होंने बड़े फैशन के कपड़े पहने हुए थे, जीन्स और पैंट। अब बड़ी स्मार्ट बनकर आई थी क्योंकि मेरे पापा से उसे शादी करनी थी। जब मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी बिल्कुल ही बुझी हुई थी। वे 4 साल पुराना कपड़ा पहनकर आंगन में गुमसुम सी बैठी हुई थी। आरती आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ गई थी। मुझे मम्मी पर बहुत तरस आया था। मैंने पापा को देखा तो पापा आरती आंटी को तक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी मम्मी की हालत समझ सकती थी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया था। दादी हर चीज़ सबसे पहले आरती आंटी को ही दे रही थी। पापा भी उनके पीछे चले जा रहे थे। मम्मी और मैं, हम दोनों बिल्कुल बेजान से पड़े थे। ऐसा लगता था हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी मम्मी रोने वाली थी। सुबह हुई तो मम्मी मेरे पास आईं और बोली कि आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाओगी, हम बाज़ार जाएंगे, मैंने कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, मम्मी आज आप सुबह आरती आंटी के डर से शॉपिंग करने जा रही हो? मेरे कहने पर जाती तो ये समस्या ही ना पैदा होते। मम्मी बहुत गमगीन हो रही थी। मम्मी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के लिए पैसे पापा से लिए थे। पापा ने मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता ही नहीं पापा की इस मेहरबानी के पीछे पापा के कौन से राज छुपे हुए थे, या सुबह आरती आंटी के साथ आने की पीछे उनकी कोई खुशी थी। उन्हें पैसों की परवाह नहीं होती थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार गए। मैंने मम्मी को अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े दिलवाए थे। एक नया जूता भी मम्मी को दिलवाए थे। वापसी पर कपड़े दर्जी को भी दे आए थे। अब हम घर लौट आए तो दादी तो अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी, जबकि पापा सुबह आरती आंटी के साथ बातों में बहुत बिजी थे। मम्मी की सारी खुशी बिल्कुल मंदी और फीकी पड़ गई थी। मम्मी तन बदन में आग लगाए बैठी थी। कमरे में चली गई। पापा भी मम्मी के पीछे गए थे। मैं आरती आंटी के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी थी। मम्मी मुझे अक्सर कहती थी, मैं आरती आंटी को अपने साथ ही बिजी रखा करूं, तुम्हारे पापा के साथ ना बैठने पाए घर में। अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन आरती आंटी को पापा के नज़दीक भेजने के आइडियाज़ निकालती रहती थी, जबकि मेरे पापा तो खुद आरती आंटी के पीछे पीछे थे। मम्मी इधर अलग जतन कर रही थी। पापा मनमौजी से थे। मैंने गौर किया था कि वे आरती आंटी के सारे हुस्न के बावजूद भी कभी कभार ही बात करते थे। मेरी मम्मी भी अब नए कपड़े पहनने लगी थी और रोज़ बालों में कंघी किया करती थी और अब तो मेकअप भी लगाया करती थी। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, जब दादी मुझसे बातें कर रही थी, चांदनी खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ले आना, तुम्हारे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और बोली, दादी आपने भी मम्मी वाला कारोबार शुरू करने का सोच लिया क्या? सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो पापा बोले, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी, मतलब मम्मी मुझे दुकान पर, अभी मैंने इतना ही कहा था। मैंने बात करते करते मम्मी की तरफ देखा तो वह ना मैं सर हिला रही थी, उनकी आंखें भी मुझे बहुत घूर रही थी। मुझे लगा मुझे मम्मी की बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। मम्मी मुझे जब कोई चीज़ मंगवाती हैं तो मुझे भी पैसे देती हैं, तो मुझे लगा दादी भी वही वाला कारोबार शुरू कर दिया है। पापा मेरे हंस पड़े थे। खैर, उस दिन दादी ने जब बाजरे का आटा मंगवाए तो हमारे घर में उस दिन सच में बाजरे की रोटियां पकी थीं, जो कि हम सब ने बड़े शौक से खाए थे। अब काफ़ी दिन सुकून से गुजर गए थे, लेकिन दादी की फिर से रंगत फिरने लगी थी और उठते बैठते पापा को याद दिलाया करती थी कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। दादी कभी कभी मम्मी को
कोसने लगती थी। अब वह साफ साफ शब्दों में पापा को कहती थी कि तुम हाँ भरो तो मैं आरती के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम्हारा घर आबाद कर दूंगी। पापा कहते, मम्मी मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरे करके लेटे देखा और वह बड़ी फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया था। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप करवाया, उन्हें तसल्ली दी, फिर उनसे पूछा कि मुझे सारा किस्सा बताएं कि क्या हुआ है। मम्मी बोली, चांदनी बेटा तुम दुकान से मुझे 1 किलो बाजरे का आटा ला दो, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से बाजरे का आटा ले आई थी। मम्मी कभी भी खुद बाजरे का आटा लेने नहीं गई थी, वह मुझसे हर दम छुपा कर मंगवाती थी। मुझे कहती, कॉलेज वाले बैग में बाजरे का आटा छुपा कर ले आना, अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान से कॉपी या कोई किताब लेने गई थी। मैंने वापस आकर मम्मी से रोने की वजह पूछी थी। वह बोली, तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं, वहां आरती को दुल्हन बना कर लाएंगी। मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे। वह बोली, तुम्हारे पापा से राय मांगूंगी, अगर वह कहेंगे कि माँ की बात मान लूँ तो फिर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी मैं। मम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी अपने वादे की बिल्कुल पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया था उस पर बिल्कुल खरी उतरती थी। मैं सारा दिन प्रार्थना करने लगी थी कि काश पापा मम्मी का साथ दें। इस बात का तो चांस बहुत कम था, मगर मैं प्रार्थना जरूर कर रही थी। खैर, पापा शाम को घर लौटे थे। वे आंगन में बैठकर आरती आंटी के साथ पूरे 2 घंटे से बातें कर रहे थे। पापा के चेहरे पर गुलाबी खिल रहे थे। मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था कि काश पापा मम्मी के साथ भी ऐसे ही खुश होकर बातें करते। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था। पता नहीं आज पापा मम्मी की किस्मत में क्या फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं सब समझ गई थी, मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया। तब मेरी मम्मी मुझसे जुदा होकर बोली, अरे पागल, आज तेरे पापा ने मेरी लाज रख ली है। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में मेरा मर्तबा ऊंचा कर दिया है। मैंने उनको तुम्हारी दादी की बात बताई तो वह बोली, माँ का तो दिमाग चल गया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं खुशी से झूम उठी थी, मेरे दिल से मानो बोझ उतर गया था। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इस वाक्य को कुछ ही दिन बाद पापा आरती आंटी को शॉपिंग करवाने ले गए थे। वे उनके साथ जॉगिंग करने के लिए भी जाते थे। इधर मम्मी सूख सूख कर काटा हो जाती थी। मम्मी की ज़िंदगी अब तो सारा दिन पापा की जासूसी करते करते निकल जाती थी, या फिर मुझे बाजरे का आटा लाने के लिए भेजने में गुजर जाती थी। अब घर के समस्या बिगड़ने लगे थे। अब तो आरती आंटी ने साफ शब्दों में दादी से कह दिया था कि दिनेश ने अगर अगले हफ्ते मुझसे शादी ना किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं यहाँ इंतज़ार करूँ बैठकर। आरती आंटी की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गई थी। वह इसलिए मम्मी की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन तो इतवार था, मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से मम्मी के साथ चूँच लड़ा रही थी। मैं अपने मम्मी का काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई थी। पहले तो गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, मम्मी को तंग कर रही थी कि दिनेश का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मुझे भी दादी पर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि दादी को उनकी हद में क्यों नहीं रखती। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मुझे 1 किलो बाजरे का आटा ला दो। मैं वहाँ से उठी, चप्पल पहने और आटा लेने के लिए निकल पड़ी। आज मैं आटा लेकर बैग में डालने लगी तो मुझे पन्नी थोड़ी सी फटी हुई महसूस हुई, लेकिन मुझे घर की फिक्र थी, मैंने ऐसे ही अपनी बैग में डाल लिया। आधे रास्ते तक आ गई तो मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे बहुत डर लगा। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक पक्षी पड़ा हुआ था। मेरी तो जैसे डर के मारे रूह तक कांप गई थी। मैंने वह पक्षी सड़क पर ही फेंक दिया और खुद घर आने के बजाय
पापा के स्टेशनरी पर चली गई थी। पापा की स्टेशनरी की दुकान हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। वह मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उनको अपने साथ घर चलने को कहा था। वह बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े थे। इधर पापा ने घर का दरवाज़ा खोला ही था कि मम्मी फटी हुई मछली की तरह डोलने लग रही थी। जब पापा ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया था, पापा ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में ले गए थे। दादी फिर शेरनी बनी हुई थी। वह चीखने लगी थी, दिनेश अभी और इसी वक्त तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, इसने तुम्हारी माँ के साथ बेइज्जती की थी। दादी की बात सुनकर पापा बोले, पहले यकीन आपने ही कुछ किया होगा। पापा की बात सुनकर तो दादी का पारा और हाई हो गया। वह बोली, मैंने सिर्फ उससे इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे, इस कमरे में आरती के लिए सेट करना है, कल तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। पापा हंस पड़े थे और बोले, माँ अब बस भी कीजिए। फौरन आरती आंटी से बोले, आरती आप इस घर की मेहमान हो, आपके साथ वक्त भी गुजरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मेरी मजबूरन बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से चले जाएं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हुआ है। दादी चीख पड़ी थी, दिनेश तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, आरती तुम्हें वारिस दे सकती है, ये बांस तुम्हें क्या देगी। मेरे पापा बोले, अगर भगवान ने मुझे वारिस देना होगा तो मुझे मेरे पत्नी से ही दे देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हैं, इस घर में जो कुछ भी है आपकी है, आप यहाँ मलिका बन कर रहें, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी सेवा करेंगे, मगर आज के बाद आपने हमसे या फसाद या झगड़ा या लड़ाई की कोशिश करी तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस दिन ही आरती आंटी वापस चली गई थी। दादी ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था, जबकि मैं पापा से शिकायत के बिना रह नहीं पाई थी। मैंने बोली थी, पापा आपने मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ बहुत नाइंसाफी की थी, काश आपने शुरू से ही हमें प्यार और इज्जत दी होती। पापा ने, बेटा तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने माँ के आगे मजबूर था, मेरी माँ बहुत गर्म मिजाज की औरत हैं, मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की। जब माँ को गुस्सा आता तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता कि माँ मेरा गुस्सा देख कर अपना गुस्सा भूल जाए, और मैं तुम दोनों पर अपना गुस्सा निकाल लेता। पापा की बात सुनकर मेरी आँखें भीग गई थी। मैं बोली, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मम्मी से पूछी, आप हर रोज़ मुझसे बाजार से आटा क्यों मंगवाती थी। उस दिन उन आटे में एक अधमरा पक्षी पड़ा हुआ था जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार तो नहीं कर सकता, और वे आटे के बजाय पक्षी दे दे, उसमें ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है, आप मुझे बताइए वह पक्षी वहाँ क्या कर रहा था। मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर अब बहुत घबरा चुकी थी, मगर उनके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह बोली थी, जिस दिन दुकानदार से तुम बाजरे का आटा लाई थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं, वह ताबीज गंडे का काम करते हैं, मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए एक ताबीज ले ले, उसने बताया कि बाबा जी 40 दिन तक 1 किलो बाजरे का आटा पर दम करके देंगे, जो छत पर ले जाकर पक्षियों को डाल देने हैं, और आखिरी दिन वे एकदम अधमरा पक्षी देंगे जो सास को खिलाना होगा, और उससे मेरी सास की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मगर बेटा तुमने वह पक्षी रास्ते में ही फेंक दिया और ना मेरे 40 दिन पूरे हो जाते और मेरी घर की समस्याएं हमेशा के लिए ठीक हो जाती। तुमने उस दिन आटा लेने इसलिए भेजी थी, देखो ना उस ताबीज की करामत से कैसे सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया और मेरी तरफ हो गए हैं। मम्मी की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, मगर मेरा पूरा बदन ये बात सुनकर कांप गया था। मैं अपनी चप्पल पहनी और दुकानदार के पास जा पहुंची थी। मैंने उसको खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा कि तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए कि तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, काले जादू करवाते हो और देते हो। वह बोला, हम तो दुकानदार हैं और मैं दुकान की सामानें बेचता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को कोई काला जादू नहीं करवा कर दिया, मैं तो खुद उनके मुँह से
काले जादू का सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उनसे इतना कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 40 दिन तक ना पति से लड़ना है और ना ही सास से। आप खुद ही सोचो, अगर कोई औरत 40 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे, वे भी इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये ताबीज से कुछ होता है या नहीं, पर मैं दुकानदार की सोच से सहमत थी। उसने कैसे अपने आप को सारी समस्याओं से बचा लिया था, उसने मम्मी को कितनी समझदारी की बात बताई थी। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा का दिल किसी ताबीज से नहीं बदला था, मगर मम्मी की बेइंतहा प्यार और उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों की वजह से बदला था। अगर हर औरत अपनी जुबान बंद रखे, सब्र करे, तो उनके पति भी उनसे लड़ना छोड़ देंगे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा और ना ही सौतने लाई जाएंगी। अब इस किस्से को बीते 2-3 साल हो गए। मेरे पापा डॉक्टर के पास मेरी मम्मी को ले गए और फिर मेरी मम्मी का इलाज करवाया। मेरी मम्मी को अब बेटा हुआ है और मेरा एक छोटा सा भाई भी हुआ है। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।